अभी हम बात करेंगे संक्षारण के विषय में। संक्षारण जो मुख्यतः धातुओं में पाया जाता है, जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनमें संक्षारित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्षारण यानी धातु का धीरे धीरे हमारे वायुमंडल के अभिकारकों से, वायुमंडल में जो भी पदार्थ हैं जैसे वायु है, नमी है, तो किसी भी धातु का हमारे वायुमंडल में उपस्थित अभिकारकों से अभिक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने का जो प्रक्रम है उसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं कि लोहे की वस्तु यदि बहुत लंबे समय तक खुले में पड़ी रह जाए तो आप देखते हैं कि लोहे की वस्तु के ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत लगने लगती है, जिसको हम जंग का नाम देते हैं, जंग या रस्ट। तो वो जंग है क्या? जंग एक रासायनिक पदार्थ है। जब हम लोहे को खुला छोड़ देते हैं वायु में, या हमने वायुमंडल में लोहे की किसी भी वस्तु को हम खुला छोड़ देते हैं, तो वो धातु हमारे वायुमंडल में उपस्थित नमी और जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करती है और क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिसको हम जंग का नाम देते हैं। उसका रासायनिक नाम अभी बताऊंगा, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। तो जंग का निर्माण करती है और जंग की विशेषता यह है कि वो भंगुर होता है और धीरे धीरे धातु से अलग होता रहता है, और जब धातु से अलग होता है तो धातु धीरे धीरे नष्ट होते रहती है। तो संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अभिकारकों से क्रिया करती है और नष्ट होते रहती है, उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं संक्षारण। अर्थात धातु का अपने वायुमंडल में उपस्थित अभिकारकों से धीरे धीरे अभिक्रिया कर नष्ट होने का जो प्रक्रम है उसको हम कहते हैं संक्षारण। लोहे की किसी भी वस्तु को यदि हम खुला छोड़ दें लंबे समय तक, आप देखेंगे उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो धातु का धीरे धीरे नष्ट होने का जो प्रक्रम है उस प्रक्रम को हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण केवल लोहे में ही नहीं होता। हम संक्षारण कहते ही हमारे दिमाग में आता है लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि संक्षारण केवल लोहे में होता है। बहुत सारी अन्य धातुएं भी हैं जिनमें संक्षारण होता है। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम धातु है, एल्यूमिनियम की धातु, अगर हम एल्यूमिनियम को लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो एल्यूमिनियम धातु के ऊपर भी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अर्थात इसीलिए कहा भी जाता है कि जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उसको रगड़ के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऑक्साइड की परत बनी रहती है और एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु है। यदि हम एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाएंगे तो वो भोजन खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि एल्यूमिनियम भोजन से क्रिया कर सकता है क्योंकि सक्रिय धातु है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम को जब हम खुला रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है और उस ऑक्साइड की परत का बनना कहलाता है एल्यूमिनियम का संक्षारण। यानी एल्यूमिनियम धातु को जब हम लंबे समय तक रख देते हैं खुले में तो उसकी सतह पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। ये तो पहला उदाहरण संक्षारण का था। ऐसे ही आप देखोगे कि जो सिल्वर है या जो चांदी है, चांदी के आभूषण अगर आप खुले में रख दें लंबे समय तक तो वो काले पड़ जाते हैं, उनमें एक काले रंग की परत बन जाती है। वो काले रंग की परत जो बन रही है वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है कि जब हम चांदी के आभूषणों को खुला छोड़ देते हैं तो चांदी के आभूषणों के ऊपर एक सल्फर डाइऑक्साइड की परत बन जाती है, SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसके कारण इस चांदी के आभूषणों के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसके कारण वो जो चांदी है उसका रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाता है और वो काले कलर की हो जाती है। ऐसे ही दूसरा तीसरा उदाहरण अगर हम लें, आपने आपके घरों में CU के बर्तन होंगे, कॉपर के बर्तनों में आप देखोगे हरे रंग की परत बन जाती है। तो कॉपर के बर्तनों में जो हरे रंग की परत बनती है वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। ऐसे ही लोहे पे जंग लगना वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तो ये नहीं है कि संक्षारण केवल लोहे में होता है, और अन्य धातुएं भी हैं, जैसे अभी बताया एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, इनमें भी संक्षारण की प्रक्रिया होती है। अब क्योंकि जब हम संक्षारण की बात करते हैं तो माइंड में सीधे सीधे एक ही शब्द आता है, जंग। जंग जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रस्ट। अब ये जंग होता क्या है? जंग एक रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ
जिसका रासायनिक नाम, अगर हम जंग का रासायनिक नाम लें, इसका रासायनिक नाम होता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ये जंग का रासायनिक नाम है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। और जब इसका हम सूत्र लिखते हैं तो इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जंग का, वो होता है Fe2O3.XH2O। X जल के अणुओं की संख्या है जो चेंज होते रहती है, यानी ये एक से लेकर कितनी भी हो सकती है, ये जल के अणुओं की संख्या है। तो जो जंग है, जो लोहे में जो जंग लगता है, लाल भूरे रंग की जो परत बनती है, उस जंग का जो रासायनिक नाम है वो होता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र है Fe2O3.XH2O। तो जब लोहे की वस्तुएं वायुमंडल में खुली छूट जाती हैं या खुली रह जाती हैं, तो वायुमंडल में जो नमी है, जो ऑक्सीजन है, उससे लोहा क्रिया करता है, और जब लोहा क्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या एक लाल भूरे रंग के नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका रासायनिक नाम होता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, और इसी लाल भूरे पदार्थ को नाम दिया जाता है जंग। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, कहीं आपको बुक्स में ऐसे भी लिखेगा, लिखा दिखेगा आयरन, ब्रैकेट में लिखा होगा थर्ड और उसके बाद लिखा होगा ऑक्साइड, ये भी इसका रासायनिक नाम है। आगे से लिखा होगा जलयोजित, जलयोजित इसलिए क्योंकि जल के अणु जुड़े हुए हैं, योजित माने जुड़ना, जल के अणु जुड़े हुए हैं, ये आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड कितना है, केवल Fe2O3, आगे से हम जलयोजित लगा रहे हैं, यानी जल के अणु जुड़े हुए हैं, और कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, XH2O। अब इसको हम जलयोजित आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, थर्ड ऑक्साइड इसलिए क्योंकि यहां पर जो लोहा है इसकी संयोजकता तीन है, यहां पर लोहे की ऑक्सीजन संख्या है, या लोहे पर कितने इकाई धनावेश होगा, तीन इकाई, इसलिए थर्ड लिखा है। अगर ऐसे लिखा होता आयरन सेकेंड ऑक्साइड, आयरन ब्रैकेट में सेकेंड ऑक्साइड लिखा होता, तो इसका मतलब होता है यहां पर जो लोहा है वो किस रूप में उपस्थित है, टू पॉजिटिव आयनों के रूप में उपस्थित है, यानी ये होता फेरस ऑक्साइड। इसको का नाम दिया जाता फेरस, क्योंकि कक्षा 9 में हमने बात की है कि जब लोहे पर तीन इकाई धनावेश होता है तो उसको कहा जाता है फेरिक, और जब दो इकाई धनावेश होता है तो उसको नाम दिया जाता है फेरस ऑक्साइड। तो ये जंग लगने की प्रक्रिया है कि जंग क्या होता है, जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब जंग लगने के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, अर्थात यदि किसी लोहे की वस्तु पर जंग लग जाए तो क्या होगा। हमें पता है कि जब किसी लोहे की वस्तु पर जंग लगता है तो जो जंग है वो एक भंगुर पदार्थ है, ये जो रस्ट होता है ये भंगुर पदार्थ है, और ये भंगुर पदार्थ लोहे की सतह पर बनता रहता है, और क्योंकि भंगुर है इसलिए उसकी सतह से अलग होता रहता है, तो धीरे धीरे लोहे की छड़ जो होती है वो नष्ट होते रहती है, या जो लोहे की वस्तुएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते रहती हैं। तो संक्षारण का सबसे बुरा प्रभाव यही है कि जब किसी वस्तु का या किसी धातु का संक्षारण होता है तो वो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक, अब हमने बात करते हैं, अभी तक हमने इतनी बातें की, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, या संक्षारण में वृद्धि करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, किन कारकों की वजह से संक्षारण होता है, या उसके लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। पहली तीन आवश्यक परिस्थितियां, सामान्यतया तीन आवश्यक परिस्थितियों में पहली आवश्यक परिस्थिति है धातु की खुली सतह, धातु की खुली सतह, अर्थात यदि किसी धातु की सतह खुली हो, सीधे वायुमंडल के संपर्क में हो, तो ऐसी धातुओं में जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है, संक्षारण की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा जो कारक है, दूसरा कारक होता है वायुमंडल में नमी की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, क्योंकि जंग लगने के लिए ये दो कारक बहुत जरूरी हैं, कि एक तो वायुमंडल में नमी होनी चाहिए, और दूसरा कि जो आपका वायु है उस वायु में ऑक्सीजन होनी चाहिए, होती है, यानी वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये कुछ कारक हैं। पहला तो कारक है कि धातु की खुली सतह, यदि धातु ओपन छोड़ दी जाए वायुमंडल में तो उसमें जंग लगने की प्रक्रिया या संक्षारित होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। दूसरा हमने कहा नमी की उपस्थिति, जिन दिनों वायुमंडल में नमी ज्यादा होती है,
बरसात के मौसम में सामान्यतया वायुमंडल में नमी बहुत ज्यादा होती है, तो उन दिनों संक्षारण की दर भी बढ़ जाती है, यानी उन दिनों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया थोड़ी अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन तो हमेशा उपस्थित रहती है, तो जंग लगने के लिए दो कारक बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु को संक्षारित होने के लिए, जंग लगने के लिए, एक तो नमी होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास वायु होनी चाहिए, वायु में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक कारक और है, चौथा हम कहते हैं धातु की असमान सतह। धातु की असमान सतह, असमान सतह अर्थात अगर रफ सरफेस है, जैसे मान के चलो ये आपकी कोई धातु है, ठीक है, हम इसको और भी थोड़ा गोलाकार बनाते हैं, ये कोई धातु है, तो जब इस पर बारिश की या इस पर जल की बूंद एकत्रित ही नहीं हो पाएगी तो इसमें जंग लगने की प्रक्रिया थोड़ी लेट हो जाएगी। लेकिन यदि किसी धातु की सतह पर कोई गड्ढा है या असमान सतह है तो आसानी से इसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, और जंग लगने के लिए पानी या नमी बहुत आवश्यक है। तो जब इस धातु की सतह यदि असमान है, यानी रफ सरफेस है, तो उसमें पानी शीघ्रता से इकट्ठा होता है, और जब पानी शीघ्रता से इकट्ठा होगा तो उसमें जंग लगने की संभावना अधिक रहती है। तो दो कारक हुए कि जंग या संक्षारित होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जंग से बचाव क्या है। जंग से बचाव अर्थात कि किसी वस्तु पर जंग लगने को हम कैसे रोक सकते हैं। तो बहुत सारे कारक हैं जो आप लोग यूज भी करते हैं अपने घरों में। जैसे पहला कारक है अधातु लेपन। अधातु लेपन जैसे आप पेंट लगाते हैं, ये सब उसी के अंदर आएंगे। पहला होता है अधातु लेपन, अर्थात यदि किसी अधातु का लेप लगा दें, धातु के ऊपर हम किसी अधातु का लेप लगा दें तो वो धातु संक्षारित होने से बच जाती है। जैसे हम पेंट लगाकर यदि किसी धातु पर, जैसे आप लोहे का बक्सा लाते हैं, तो लोहे के बक्से में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे पेंट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि माना सपोज करो ये आपका लोहे का बक्सा है, ये लोहा है, अगर ये सीधे सीधे नमी के संपर्क में आएगा पानी के, तो क्या हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगा। लेकिन यदि हम इस लोहे के बक्से के ऊपर एक पेंट की परत बना दें, हमने इसके ऊपर किसकी परत बना दी, पेंट की, अब जो पानी होगा, जो नमी होगी, वो पेंट के संपर्क में आएगी, धातु के संपर्क में नहीं आएगी, और इस प्रकार हमारी धातु संक्षारित होने से बच जाएगी। यानी पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर भी हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ग्रीस लगाकर अगर किसी धातु पर हम ग्रीस लगा दें तो भी संक्षारित होने से बचाया जा सकता है उस धातु को, ठीक। दूसरा तरीका होता है संक्षारण से बचाव का, जिसको हम नाम देते हैं धातु लेपन। एक तो होता है अधातु लेपन, एक होता है धातु लेपन। धातु लेपन यानी इसको हम कहते हैं बलिदानी रक्षण। बलिदानी रक्षण, पहला वाला तो था बैरियर प्रोटेक्शन, इसको हम कहते हैं अवरोध सुरक्षा। ये जो पहले के दो हैं, इनको हमने नाम क्या दिया, अवरोध सुरक्षा या अवरोध रक्षण। अवरोध यानी हमने अवरोध पैदा किया, ये धातु है, इसके चारों ओर हमने पेंट लगा दिया, तो हमने एक अवरोध पैदा कर दिया, किसके बीच में, पानी और इस धातु के संपर्क में आने से रोकने के लिए हमने एक अवरोध पैदा कर दिया, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बैरियर प्रोटेक्शन, या इसको हम कहते हैं अवरोध सुरक्षा। यानी हमने पानी को धातु के संपर्क में आने से रोक दिया। जब हम पानी को धातु के संपर्क में नहीं आने देंगे तो वो धातु संक्षारित होने से बच जाएगी। दूसरा होता है धातु लेपन, जिसको हम कहते हैं बलिदानी रक्षण। बलिदानी रक्षण यानी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसमें किसी धातु को बचाने के लिए कोई अन्य धातु अपना बलिदान कर देती है। अब ये बलिदानी रक्षण क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू।